आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इस वीडियो में हम यूनिटी यानी वन के क्यूब रूट्स मालूम करेंगे और इन कॉम्प्लेक्स रूट्स को ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में पहचानेंगे। यहाँ आपके जहन में एक सवाल आएगा कि वन का क्यूब तो सिंपली वन ही होता है, क्योंकि वन मल्टीप्लाई बाई वन मल्टीप्लाई बाई वन इज इक्वल टू वन होता है। यकीनन वन यूनिटी के क्यूब रूट्स में से एक है, लेकिन इसके अलावा भी इसके दो और रूट्स भी हैं। चलें इन रूट्स को फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये फर्ज करें कि x वो क्यूब रूट है जिसको हमने फाइंड करना है, यानी x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वन, जिसको x इज इक्वल टू 1 की पावर 1 ओवर 3 भी लिखा जा सकता है। दोनों अतराफ का क्यूब लेने से x क्यूब इज इक्वल टू 1 हासिल होगा और 1 को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करने से x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन हासिल हो जाएगी। इस इक्वेशन में x की ज्यादा से ज्यादा पावर 3 है, इसलिए इसके तीन ही रूट्स भी होंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्यूब का फार्मूला दोहराएंगे, जो कि a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर है। इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए बराबर होता है। तो इस फार्मूला के तहत हम अपनी इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन से या तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा या एक्स स्केयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। सबसे पहले x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आसानी से आ जाती है, जो कि 1 है। ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 में माइनस 1 को राइट साइड पर शिफ्ट करने से हासिल होती है। दूसरी जानिब हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हल करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे हमें x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2 हासिल होगा। क्योंकि हम अंडर रूट माइनस 3 को अंडर रूट माइनस 1 इंटू 3 और इसको अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं, और अंडर रूट माइनस 1 आयोटा के बराबर होता है और इसको ये भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ यू बन जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। इसलिए माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 और माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। ये हासिल होने वाले कॉम्प्लेक्स रूट्स का एक खास नाम है, जिनको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। अगर हम कहें कि माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 ओमेगा है, तो माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। या फिर अगर हम माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 को ओमेगा कहें, तो माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। यानी अगर दोनों रूट्स में से एक ओमेगा होगा तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ये था हमारा आज का लेसन।